जब भी कभी हम फ्रीडम के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक दो नाम याद आते थे। पहला हमारी आज़ादी, दूसरा जो इंडिया में एक स्कैम हुआ था फ्रीडम 251 के नाम से। क्या आपने वाकई फ़ोन बुक कराया था 251 रुपये में? अगर बुक कराया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या पता हो सकता है हम भी ज़रा देखें कि हमारे साथ में कितने ऐसे दुख अभागी हैं जिन्होंने इस छोटी मतलब लालच के चक्कर में अपने जो पूंजी थी 251 रुपये वो गंवा दी। इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन स्कैम वही था फ्रीडम 251, यानी कि फ्रीडम नाम की एक कंपनी जो ऑब्वियसली दो इंडियन थे उन्होंने खोली, यूज़र्स को लालच दिया। तब उस टाइम पे ना स्मार्टफोन का एक क्रेज़ था, मतलब क्या कहें कि कीपैड वाले स्मार्टफोन चल रहे थे, टच वाले फ़ोन्स बहुत रेयर केस में आ रहे थे। उस टाइम पे इन्होंने एक ऐसा स्कैम मारा, स्कैम अगर मैं गूगल में टाइप करूँ तो करीब वो करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ था उस टाइम पे। हालांकि बाद में सारे कांड बाहर खुले, इन दोनों जो कंपनी के मालिक थे उनको जेल हुई, बाकी कुछ लोगों के उन्होंने पैसे वापस किए, कुछ के वापस नहीं किए। जिनके वापस नहीं किए उनमें से मैं भी एक था लालच के चक्कर में 251 रुपये अपने गंवा दिए थे, ना तो फ़ोन मिला ना पैसा। कुछ ऐसा ही सिमिलर फिलहाल और मार्केट में चल रहा है, जिसमें एक फ्रीडम फ़ोन के नाम से फ़ोन लॉन्च हुआ था। अब फ़ोन लॉन्च किसने किया है? बिटकॉइन मिलियनेयर एरिक फिनमैन ने। इन्होंने एक फ्रीडम फ़ोन लॉन्च किया है, नाम फ्रीडम फ़ोन इसलिए रखा है क्योंकि इनके जहन में फ़िलहाल दो बातें चल रही थी जो अभी पास इंसिडेंट हुए थे 2020 में। सबसे पहला एक ऐप रिमूव किया था गूगल ने जिसका नाम था पार्लर ऐप को गूगल ने रिमूव कर दिया था क्योंकि वो पॉलिसी को वायलेट कर रहा था, इसलिए पार्लर ऐप रिमूव किया। दूसरा जो सबसे जब बड़ा सीन हुआ था वो था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने परमानेंटली बैन कर दिया था। तो इन्हीं दो सिनारियों को ध्यान में रखते हुए ये महाशय जो हैं फिनमैन जी, इन्होंने फ्रीडम फ़ोन लॉन्च कर दिया और कहा यह भी गया था कि इस वाले फोन में ऐसी कोई पाबंदी मतलब कोई पाबंदी नहीं होगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये आराम से आप ऐसे आसानी से बोल सकते हैं, मतलब अपनी स्पीच को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए फोन का नाम फ्रीडम फोन रखा गया है। लेकिन इतना ही नहीं रुके, इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं जिसके हिसाब से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। $500 का फ़ोन है, अगर फ़ोन के फीचर्स के बारे में ध्यान दिया जाए, मतलब जो स्पेसिफिकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाकई एक रियली पूरा स्कैम है, स्कैम। और इतना नहीं, इसको प्रमोट करने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, भांति भांति के। मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि भगवान तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो जो मतलब यूजर्स को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो, साथ के साथ ऑफर लालच भी दे रहे हैं। कहते ना हम हमेशा हर जगह एक ही चीज़ काम आती, वो है लालच। जैसे कि हमने 251 के लालच में अपनी पूंजी गंवाई थी, वैसे इस इनके लालच के चक्कर में जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने एक लालच दिया कि आप अगर मेरे लिंक से या मेरा कोड डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा, 30%। इसके बाद बायस्ड पेड वीडियोज़ अपलोड हुए यूट्यूब और ट्विटर पर, जिसमें से कहा गया कि मेरा फ्रीडम फोन बहुत अच्छा है, मुझे ये चीज़ देखने को मिली, मुझे वो चीज़ देखने को मिली। लेकिन अगर बात करी जाए इस फ्रीडम फोन्स के बारे में तो ऐसे प्री लोडेड ऐप्स भी देखने को मिलते हैं। इतना नहीं, इनका जो ऐप स्टोर है उसका नाम रखा प्रिटी ऐप स्टोर। एक मिनट में जरा इसको प्रोनाउंस कर लूँ, उसका क्या है, इसकी वेबसाइट में कॉल दैट बैन फ्री ऐप स्टोर है, और नाम तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे क्योंकि इनकी वेबसाइट पूरी क्लीन, नेट एंड क्लीन है। दो बहुत मेन थ्री मतलब कुछ हाईलाइटेड रखें, जैसे प्री लोडेड ऐप जिसमें से आपको इनका ऑब्वियसली जो जिसने गूगल को जिसने जिस ऐप्स को गूगल ने रिमूव किया था वो ऐप्स में देखने को मिलेगा, साथ के साथ कुछ मीडिया नेटवर्क के ऐप्स कुछ मिलेंगे जो US मार्केट में चल रहे हैं। यहाँ तक फिनमैन जी क्लेम कर रहे हैं इस वाले फोन्स के बारे में कि ये इंटरनेशनल नेशनल सभी कैरियर्स पे वर्क करेगा, जहाँ तक इनके मामले मतलब आपको बहुत ही चीज़ों साथ के साथ एज टू एज तक इसकी डिस्प्ले, इसमें आपको क्या होगा
डिस्प्ले, फ्रीडम ओएस जिसमें आपको एक फ्री स्पीच दे सकते हो, मतलब ए फ्री स्पीच ऑफ फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्रूव्ड के साथ। वी हैव डेवलप्ड द फर्स्ट मास मार्केटेबल मोबाइल फोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन फ्री स्पीच। पता है ना, स्टार्टिंग में इस फोन लॉन्च करने का पूरा कॉन्सेप्ट केवल एक ही चीज का था कि इसमें आपको फ्रीडम मिलेगी, मतलब इसीलिए फोन का नाम रखा फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी फ्रीडम फोन, जबकि ये प्रॉपरली एक पूरी तरह से एक स्कैम है। मतलब $500 का फोन है, अगर मैं इंडियन मार्केट से कन्वर्ट करूँ तो 70,000 रुपए का, यानी 75,000 रुपए का फोन, मतलब 75 रुपए के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो 70,000 से ऊपर जा रहा है, यानी 75-80,000 रुपए का फोन है इंडियन मार्केट में। अगर इसे आप प्री ऑर्डर करने जाओ ना इनकी वेबसाइट्स पे, तो बहुत से रेयर ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके बाद आप तो वापस तो चले जाओगे, फ़ोन तो नहीं ऑर्डर करोगे लेकिन आप वापस लौट के चले जाओगे। जैसे अगर इनकी वेबसाइट पे विजिट करो तो प्राइवेसी के मामले में कह रहे हैं से हेलो टू योर ट्रस्ट, बस ट्रस्ट है लेकिन आखिर किस चीज़ की प्राइवेसी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ है। बाकी अगर नीचे एक इंटरेस्टिंग से होता तो फ़ोन के बारे में अगर कहा जा रहा है कि एक कंपनी थी, क्या नाम था उसका, उमिडगी करके एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर शेंजान में। वो उमिडगी एक A9 प्रो स्मार्टफोन आया था, वो वही इस वाले फ़ोन को फिलहाल मेक बना रही है। तो मतलब एक यूं कहो कि ये चाइनीज़ कंपनी एक फ़ोन डेवलप कर रही है फिनमैन जी के लिए, इसके बाद ये पूरा स्कैम तैयार हुआ। अगर इस फ़ोन के थोड़ा बेसिकली में स्पेक सीट के बारे में बात करी जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्पेक्स देखने को मिलती है, जैसे कि आपको H2H डिस्प्ले मिलेगी जो कि 720p रेजुलेशन के साथ आएगी। कितनी इंच की साइज है फिलहाल कहीं मेंशन नहीं है। चेसिस भी इसमें 6.88 इंच की HD+ IPS LCD। कैमराज के बारे में बात करें तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल, रियर में 13+2। वाटर ड्रॉप स्टाइल की डिस्प्ले, 720x1560 पिक्सल रेजुलेशन, 1.8 गीगा स्कोर, 4GB रैम, 64GB की स्टोरेज है। बाकी वाईफाई 3G बैंड सपोर्ट करें, 4G बैंड 5G बैंड नॉट इंक्लूडेड। स्टोरेज की बात करें तो 56GB इंटरनल स्टोरेज, मतलब ये कुछ ऐसे 75,000 रुपए के स्पेक सीट तैयार करके दी जा रही है जो फिलहाल ये फ्रीडम OS में मिलेगी। अब फिनमैन जी के बारे में क्या कहें कि हमारा ही पहले तो 251 रुपए में चूतिया का 251 रुपये में ढंग से कटा था इंडिया में, और फिलहाल ये फ्रीडम के नाम पे हमें हमारा 75,000 वाला काट रहे हैं। तो मेरा वीडियो देने का पर्पज ये था कि मार्केट में कुछ ऐसे भी स्कैम्स चल रहे हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा ना अपना जेब ढीली करनी पड़ सकती है। तो फिलहाल ऐसे स्कैम्स के साथ दूर रहो और ऐसे इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना फंसो, क्योंकि ये बेसिकली जो स्कैम कराने वाले होते हैं वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एलन मस्क ने डाल दिया बिटकॉइन तो मतलब बिटकॉइन का रेट हाई, अगर एलन मस्क ने डाल दिया डोगी कॉइन तो मतलब डोगी कॉइन का रेट हाई। तो मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो चल रहे हैं आजकल, ये फिनमैन के जो, क्योंकि ये भी एक बिटकॉइन मिलियनेयर हैं, मतलब क्योंकि इन्होंने पहला बिटकॉइन 2012 में खरीदा था जब ये $4 का था। आज करेंटली बिटकॉइन की जो रेट्स बढ़ रही है वो बहुत हाई है, और फिनमैन जी ने कह रहे हैं कि हम केवल मैंने 2 बिटकॉइंस बेचा था जिसके बाद ये फ़ोन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, मतलब पूरे एक स्मार्टफोन की कंपनी ओपन कर ली। तो मेरा वीडियो देने का पर्पज केवल इतना ही था इस वाली चीज़ के लिए। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो तो फिनमैन जी की कृपा से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। फ्रीडम फोन। ए फ्री स्पीच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दैट फ्रीडम फोन।